हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल द बाइकर समीर। आई होप दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई अगर आप फाइनेंस में लेंगे तो आपको आरटीआर 200 क्या पड़ने वाली है। देखिए, आपको पता है कि इंडियन मार्केट में भाई ऐसा प्राइस हो चुका है बाइक्स का कि भाई हम हमेशा ज़्यादातर फाइनेंस में ही बाइक खरीदते हैं, क्योंकि यार कैश लेना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। कैश लेने में काफ़ी ज़्यादा पैसे एक साथ लग जाते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, यहाँ पर ज़्यादातर मैंने देखा जो लोग होते हैं वो फाइनेंस में ही लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ आरटीआर 200 के बारे में कि अगर आप इसे फाइनेंस कराते हैं तो आपको क्या बाइक पड़ने वाला, मतलब कितना प्राइस बाइक का पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं TVS Apache RTR 200 के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं TVS Apache RTR 200 के फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं इस बाइक के बारे में कि आपको दोस्तों बाइक फाइनेंस कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, इसके बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, जनरली आपके जो डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, सबसे पहले आपको लगता है दोस्तों एक आधार कार्ड, ठीक है, एड्रेस प्रूफ के लिए। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाता है मे बी, लेकिन आधार कार्ड हो तो ज़्यादा बेटर, और ऑब्वियस सी बात है भाई वो सबके पास होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि अगर दोस्तों मेरे हिसाब से आपका खुद का घर है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा घर का। देखिए, बिजली बिल किसी के भी नाम से हो चलेगा, चाहे मम्मी हो चाहे पापा, क्योंकि आधार कार्ड में उनका जो नेम है वो मेंशन रहता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपकी सैलरी स्लिप लगेगी और 6 महीने का आपका बैंक पासबुक का स्टेटमेंट लगेगा कि आपको प्रूफ देना पड़ेगा भाई कि मैं यहाँ से इतना कमाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई जब हम थोड़ा सा कमाने का अपना दिखाएंगे तभी तो हमें फाइनेंस किया जाएगा। उसके बाद आपको 2-3 चेक की ज़रूरत पड़ती है। एंड वही दोस्तों, अगर आपके पास ITR अगर आप फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न, तो और भी बेहतर है, उसमें और जल्दी बाइक फाइनेंस हो जाती है। बस बाकी 2 फोटोज और थोड़े बहुत साइन की जरूरत पड़ती है, बाकी आपके बाइक जो है वो 15 से 20 मिनट में फाइनेंस हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बाइक के फाइनेंस के बारे में, ठीक है। दोस्तों RTR 200 का जो प्राइस रखा हूँ मैं, वो डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम वाला का रखा हूँ, मतलब जितना टॉप मॉडल आती है। ये एक्सोरूम प्राइस अराउंड 1,45,000, 1,45,000 रुपये के आसपास की एक्सोरूम प्राइस देखने को मिल रही है। एंड ऑन रोड प्राइस हमारे यहाँ आपको बता रहा हूँ ना, 1,70,000, 1,70,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। आप लोगों को सिटी एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम ले लेते हैं इस बाइक का डाउन पेमेंट। मैंने डाउन पेमेंट रखा है 57,000 रुपये मैंने डाउन पेमेंट रखा हुआ है। अब भाई 1,70,000 की बाइक है तो कम से कम 50-55-60,000 तो डाउन पेमेंट देना पड़ेगा यार, उसके बिना तो बाइक ऑब्वियसली बात है फाइनेंस नहीं होगी, ठीक है। तो 57,000 रुपये हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट हो गया। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप बाइक को फाइनेंस करा रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि भाई प्रोसेसिंग फ़ीस होता है, एंड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उसके में इंटरेस्ट होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो वीडियो को अच्छी तरीके से दिमाग लगा कर देखना, तभी समझ में आएगा। 57,000 रुपये आपका डाउन पेमेंट हो गया। अब आप 57,000 रुपये को 1,70,000 से माइनस कर दो, तो आपका जो टोटल अमाउंट हो गया वो गया 1,13,000, 1,13,000 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप बाइक किसी बैंक से फाइनेंस कराओ, बैंक कंपनी मतलब गवर्नमेंट से या किसी प्राइवेट से, आपको देना पड़ता है प्रोसेसिंग फीस, और प्रोसेसिंग फीस के पीछे बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 7,000 रुपये तो लेंगे 1,13,000 में, तो अब 1,20,000 रुपये आपका टोटल फाइनेंस अमाउंट हो गया, ठीक है। अब आप निकालते हैं इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट किस चीज़ पर डिपेंड करता है आपको पता है, आपकी सैलरी अमाउंट पर, कि आपकी सैलरी कितनी आती है। अगर आप ITR फाइल करते हो तो उस पर डिपेंड करता है, और अगर आपने कभी कोई बाइक फाइनेंस कराई है उस पर डिपेंड करता है कि कहीं आपके नाम से कोई एक बाउंस तो नहीं है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो नॉर्मल मैंने जो देखा है वो देखा है 10%, 8%, बहुत कम लोगों को मिलता है 9, 10, 11, 12 ऐसा परसेंट लगता है, तो यहाँ पे मैंने 10% लिया हुआ है, ठीक है। 1,20,000 का 10% कितना हो गया, 12,000 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आप बाइक को फाइनेंस कराना चाहते हो 1 साल के लिए, कितने के लिए, 1 ईयर के लिए, तो 1,20,000 का आप 10% निकालोगे तो आपका जो 1 साल का इंटरेस्ट आएगा वो आएगा अराउंड 12,000 रुपीज़। ऑब्वियसली बात है 1,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 कर लो, 12,000 रुपये आपका आ जाएगा। अब 1,20,000 आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आपको 12,000 रुपये प्लस करना है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बात है मेन अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों पे करना है हमें,
तो 132,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट आ गया। अब आप इसे 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात आप एक साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी अराउंड 11,000 रुपीज़, 11,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। कब तक? 12 महीने तक। मान लीजिए दोस्तों, इन केस अगर आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, 2 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आप 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 1 साल का इंटरेस्ट है 12,000 इंटू 2 कर लीजिए, तो आपका जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 24,000, 24,000 रुपये आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। अब 120,000 में आप इसे प्लस कर दो तो 144,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट आ गया। अब आप इसे डिवाइड कर दो 24 से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, आप 2 साल के लिए फाइनेंस कर रहे हो तो 24 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी वो आएगी 6,000 रुपये के आसपास, 6,000 रुपीज़ आपको पे करने 24 महीने तक। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप बाइक को फाइनेंस कराना चाहते हो 3 साल के लिए, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि नहीं कराओ तो बेटर है, क्योंकि इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लगता है। 1 साल का इंटरेस्ट है 12,000 रुपये, 12,000 इंटू 3 कर दीजिए तो 36,000 रुपये आपका टोटल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। 120,000 प्लस 36,000 कर लीजिए, 156,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब 156,000 में आप 36 से आप डिवाइड कर दीजिए, क्यों? ऑब्वियसली बात है, आप 3 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हैं, 3 साल में 36 मंथ होते हैं, तो आपकी जो मंथली अमाउंट बनेगी, मंथली ईएमआई, वो बनेगी अराउंड 4,333 रुपये, जो कि आपको पे करनी कब तक? 36 महीने तक। सोएता दोस्तों, न्यू अपाचे आरटीआई 200 का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग कैसा फाइनेंस कराना चाहते हो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।